फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए डालते हैं एक नज़र कि बॉलीवुड गलियारे में आज क्या कुछ है खास। तो बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे की। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आम से लेकर के बॉलीवुड जगत के सितारों में भी योगा का खास क्रेज देखने को मिलता है। बॉलीवुड में खूबसूरत रहने के साथ साथ आपको फिट रहना भी ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे पर किस किस ने शेयर की अपनी वीडियोस और तस्वीरें। बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में योग को स्पेशल स्थान दिया है। करीना कपूर खान से लेकर सनी लियोन तक सभी अपने खूबसूरत फिगर को मेंटेन रखने के लिए नियमित योगासन करती रहती है। इन सेलेब्स की जिंदगी सुबह योग से शुरू होती है और योग पर ही खत्म होती है। बात करें फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी की, तो शिल्पा शेट्टी को योग करना बेहद पसंद है, बल्कि इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी योग के नाम ही कर दी है। प्रेगनेंसी के बाद शिल्पा का वजन काफी बढ़ गया था, तब उन्होंने नियमित योगा करके 3.5 महीने में ही 32 किलो वजन कम किया था। एक्ट्रेस करीना कपूर की, तो करीना कपूर बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2007 में योगा को अपनी जिंदगी में जगह दी। उन्होंने अपनी फिल्म टशन के लिए योग के जरिए साइज 0 फिगर बनाया। वह हर दिन 50 मिनट में लगभग 50 सूर्य नमस्कार करती है। हर लड़की का सपना होता है कि उसका भी फिगर मलाइका अरोड़ा खान की तरह स्लिम ट्रिम दिखे। मलाइका अरोड़ा भी योग फ्रीक हैं, जिन्हें खुद करीना ने ही योग के फायदों के बारे में बताया था। मलाइका अरोड़ा दिन में 1 घंटा योग करने के अलावा सही डाइट भी लेती है। जैकलीन की बॉडी देखने में जितनी परफेक्ट और टोन नजर आती है, तो उसका फुल क्रेडिट योग को देती है। जैकलीन के पास भले ही समय कम हो, लेकिन वो योग करना नहीं भूलती। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी ढेर सारी तस्वीरें शेयर करी हैं, जिनमें वो योग करती हुई नजर आती है। सनी ना अपने काम को लेकर बल्कि अपनी हॉट एंड परफेक्ट बॉडी को लेकर भी लाइमलाइट में बनी रहती है। सनी लियोन अपने दिन की शुरुआत योग से करती है। सनी लियोन ने सुपर हॉट सनी मॉर्निंग्स के नाम से भी अपनी योगा DVD लॉन्च की है। बढ़ते हैं बॉलीवुड की अगली खबर की ओर। गोल्ड अवार्ड्स के मौके पर रेड कार्पेट पे इस बोल्ड अंदाज में पहुंची निया शर्मा पर टूट पड़े लोग और किए ऐसे कमेंट्स। अपने बोल्ड बिंदास और बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा एक बार फिर सुर्खियों के बाजार में छा गई है। इस बार वह चर्चा में है अपने बोल्ड आउटफिट को लेकर, जो उन्होंने मंगलवार रात हुए गोल्ड अवार्ड के दौरान रेड कार्पेट पर पहना था। निया ने शाद आमिर की डिजाइन की हुई व्हाइट कलर की बिकनी स्टाइल ड्रेस पहनी हुई थी, जो ट्रांसपेरेंट थी। निया का यह बोल्ड अवतार लोगों को नहीं भाया और बेहद आपत्तिजनक कमेंट्स भी किए गए। इनमें से कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जिनके बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने निया के इस बोल्ड अवतार को काफी ज्यादा पसंद भी किया। 1000 में मेरी बहना और जमाई राजा जैसे टीवी सीरियल में काम कर पॉपुलर हुई निया शर्मा उस वक्त खूब लाइमलाइट में रही जब उन्हें सबसे सेक्सी एशियन महिलाओं की लिस्ट में 3रा स्थान मिला। टीवी सीरियल के अलावा निया शर्मा ट्विस्टेड नाम की एक वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा वो बॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रही है। निया शर्मा की इस ड्रेस को लेकर लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यह है कि निया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो पसंद है वो वही पहनती हैं। ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी वो अपना हॉट एंड बोल्ड अंदाज फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती हैं। निया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं। बढ़ते हैं बॉलीवुड की अगली खबर की ओर। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने इंस्टा पर बीइंग शेरा के नाम से की एंट्री और अब तक उनके इंस्टा पर 58,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं फॉलोअर्स। शेरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने माता पिता, अपने बॉलीवुड के कुछ खास दोस्त जैसे सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडिस और धर्मेंद्र जैसे लोगों के साथ अपनी फोटोज भी शेयर की है। बॉलीवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।